मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा। एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बताती हूँ कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कभी लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का, अगर एक लोटा जल दुनिया के लोग चलाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को। मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी, मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी। धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था, पर गुरुदेव, सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ाकर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मानती नहीं हूं, फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूं, उन बच्चों के साथ में। छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही फेसपैक वगैरह आगे बेचती हूँ, बनाती हूँ, इतना चलता नहीं है, गरीबड़ी हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ? अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तू मुँह से कहती है एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूँ कि जल चढ़ाऊँ। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपका, आपके व्रत का विरोध करती थी, एक लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूँ, पहला सोमवार और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और फेस पैक का ऑर्डर दे दिया, जो कि कई लाखों का था। बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ, दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापिस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये शंभु।